प्यारे बच्चों, आप सुन रहे हैं प्यारी प्यारी कहानियां। श्रृंखला का नाम है कथा कहानी। कथा कहानी, कथा कहानी, नई पुरानी, नई पुरानी। कथा कहानी, नई पुरानी, कभी हंसाए, कभी रुलाए, तरह तरह से मन बहलाए, मन बहलाए, मन बहलाए। कथा कहानी, नई पुरानी। टोपी वाला और बंदर। क्या बात है विशु आरती, क्या बात है, कहो क्या चाहते हो? नानी कहानी सुनाओ। कहानी? नानी इस वक्त नहीं बेटा, कहानी तो हम रात को ही सुनाएंगे। रात को गाना सुनाते नाना। अरे हाँ नानी। अच्छा ठीक है, तो ये बताओ कि कौन सी कहानी सुनोगे? राजा रानी की कहानी, पक्षी की कहानी, या फिर परियों की कहानी? नहीं नानी, आज तो हम बंदर की कहानी सुनेंगे। हाँ बंदर की। हाँ नानी। अच्छा बंदर की कहानी सुनोगे, ठीक है। अरे ऋषु एक बात तो बता बेटा, ये जो तूने टोपी पहन रखी है ना, अरे कहाँ से ली है, बड़ी सुंदर है ये तो। ये टोपी? हाँ ये तो नाना जी ने लेकर दी है। अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा तो आज मैं तुम्हें एक बंदर और टोपी वाले की कहानी सुनाऊंगी। हाँ बहुत मजा आएगा। हाँ अच्छा तो सुनो, एक था टोपी वाला, गांव गांव में घूम घूम कर टोपियां बेचा करता था। टोपियां लो टोपियां, टोपियां लो टोपियां, नई नई टोपियां, रंग बिरंगी टोपियां, हर रंग की टोपियां, लाल पीली नीली काली सफेद हरी, रंग भरी सुंदर सुंदर टोपियां, टोपियां लो टोपियां। हाँ तो ऐसे घूम घूम कर वो अपनी टोपियां बेचा करता था। कैसे बेचता था वो टोपियां? टोपियां लो टोपियां, नई नई टोपियां, रंग रंग की टोपियां, सुंदर सुंदर टोपियां। तो एक दिन की बात है कि टोपी वाला चलते चलते थक गया। थक क्यों गया नानी? अरे उस दिन धूप बहुत तेज थी। बड़ी धूप है, बाप रे, और थक भी बहुत गया हूँ, अब तो चला भी नहीं जाता। हाँ क्यों ना किसी पेड़ की छाया में कुछ देर आराम कर लूं। हाँ यही ठीक रहेगा, मगर यहाँ तो कोई ऐसा पेड़ भी दिखाई नहीं दे रहा। अरे हाँ वो रहा, कितना घना पेड़ है, छायादार पेड़ है, सोने का आनंद आ जाएगा, वही चलता हूँ। हाँ फिर टोपी वाले ने टोपियों की टोकरी पेड़ के नीचे रखी और वहीं बैठ गया। वाह वाह वाह, कितनी अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी, मंद मंद। थोड़ी देर सो लो, मगर इन टोपियों को कहाँ रखूं? अरे अपने पास ही रख लेता हूँ, इस जंगल में भला इन्हें चुराने कौन आएगा। पर हाँ सर की टोपी,
अरे इसे तो पहने पहने ही सो जाता हूँ। ये ठीक रहेगा। जिस पेड़ के नीचे सोया था ना, उसी पेड़ पर बंदर भी बैठे थे। कुछ देर बाद उसकी आंख खुली। मैं तो बड़ी गहरी नींद सो गया। अब चलना चाहिए, टोपियां पहन लो। अरे कहां गई मेरी टोपियां? अरे इस टोकरी में तो एक भी टोपी नहीं। कौन ले गया, कौन ले गया मेरी टोपियां? अपने पास ही रखकर तो सो गया था। जंगल में भी टोपी चोर हो सकता है, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे कहीं किसी जानवर ने इधर उधर ना फेंक दी हो। अरे हे भगवान, अब मैं क्या करूं, कहां ढूंढूं अपनी टोपियां? ओह तो ये सब तुम्हारी शरारत है, तुमने चुराई है मेरी टोपियां। और पेड़ पर बैठे बंदर टोपियां पहन के बड़े खुश हो रहे थे, उछल कूद रहे थे। दे दो टोपियां। नेहरो अभी बताता हूँ, ऐसा मजा चखाऊंगा ठीक ही भूल जाओगे। फेंको फेंको मेरी टोपियां, फेंको। इतनी आसानी से कहाँ देने वाले थे बंदर टोपियां? फिर टोपी वाले ने थप्पड़ मारने की धमकी दी उन लोगों को। उन्होंने भी थप्पड़ दिखा दिया। फिर क्या हुआ? टोपी वाला हैरान परेशान। अच्छा मुझको धमका रहे हो, तेरी टोपियां ले भागे और मुझे ही धमकी दे रहे हो? फिर क्या हुआ? टोपी वाले ने बंदरों को घूर कर देखा। तो बंदरों ने भी घूर कर देखा। हाँ। कैसी मुसीबत में फंसा दिया भगवान, एक बार फिर कोशिश करता हूँ। देते हो कि नहीं मेरी टोपियां? कैसे पहनकर महाराजा बनकर बैठे हैं। फिर टोपी वाले को जितना गुस्सा आता था ना, बंदरों को भी उतना ही मजा आ रहा था। हाँ, और अब तो टोपी वाला सोच में पड़ गया कि मैं क्या करूं, क्या करूं। बड़े नटखट हैं ये बंदर, धमकी का तो इन पर कोई असर ही नहीं पड़ता। धमकाता हूँ तो ये उल्टा मुझे धमकाते हैं। इनकी विनती करूं, रोऊं गिड़गिड़ाऊं शायद मान जाए। अरे दोस्तों क्यों परेशान करते हो भाइयों, ये टोपियां तुम्हारे किसी काम की नहीं, कुछ देर बाद तो तुम इन्हें फेंक ही दोगे, तो अभी फेंक दो मेरे पास। पर इतनी आसानी से कहां फेंकने वाले थे वो बंदर? अरे बेचारे टोपी वाले ने हाथ जोड़े तो उन सब ने भी हाथ जोड़ दिए और की करने लग गए। टोपियां वापस नहीं दोगे तो बेचूंगा क्या? बेचूंगा नहीं तो पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे नहीं आएंगे तो रोटी कहाँ से खाऊंगा? बड़ी मेहनत से बनाई है, दया करो मेरे दोस्तों, मैं फिर हाथ जोड़ता हूँ, कुछ तो सोचो। अरे हाँ दोस्तों, मैं तुम्हारे लिए कल केले लेकर आऊंगा और अब तुम्हें खुश करने के लिए एक गीत सुनाता हूँ, ठीक है? चाहो तो एक टोपी ले लो पहनना बारी बारी, टोपियाँ दे दो नुकसान होगा भारी भारी। अब तो दे दो। पर
पर बंदरों को टोपी वाले पर कोई तरस नहीं आया। तभी उसे ख्याल आया कि बंदर तो नकलची होते हैं, जो मैं करता हूँ वो भी वही करते हैं। कमाल है, मैं हंसता हूँ तो ये भी हंसते हैं, मैं रोता हूँ तो ये भी रोते हैं। अब क्या करूँ, कहाँ फंस गया मेरे भगवान। फिर क्या था, उसने सिर पर पहनी अपनी टोपी उतारकर नीचे फेंक दी। फिर क्या हुआ कि बंदरों ने भी ऐसी ही उसकी नकल में टोपियां उतार उतार कर नीचे फेंक दी। हाँ जी सारी टोपियां मुझे वापस मिल गई, अब मैं चलता हूँ। टोपियां ले लो टोपियां, नई नई टोपियां, रंग रंग की टोपियां, सुंदर सुंदर टोपियां। और बंदर खीखी करते रह गए। नानी कहानी तो बहुत अच्छी थी। हाँ नानी। नानी आपको ये कहानी किसने सुनाई थी? ये कहानी अरे मुझे मेरी नानी ने सुनाई थी।